हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो हम सीख रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, तो आपकी वोकैबुलरी पार अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी सही होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप पैसेज को 40% समझो। सबसे पहले जब पैसेज मिले तो ये रीड आउट द पैसेज। जब पैसेज को रीड आउट कर रहे हो तो पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है, टॉपिक क्या बात हो रही है ये पता लगाओ, और नेगेटिव बात हो रही है कि पॉजिटिव बात हो रही है ये भी पता लगा लो, और साथ में पैसेज का टाइम भी आपको पता लगाना है। और जब भी क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंग्लिश के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस जितने भी हैं, ऑब्जेक्टिव स्पॉटिंग एरर के अलावा, सब में आपको एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना चाहिए। और अब क्लोज टेस्ट में कैसे एलिमिनेशन टेक्निक हम अपनाएंगे वो हम देखेंगे। और जो एलिमिनेशन टेक्निक होगा क्लोज टेस्ट में, वो एक्चुअली हम ऑप्शंस जो एलिमिनेट करेंगे क्लोज टेस्ट में, वो डिपेंड करता है वेरिएशन पे। ऑप्शन में कैसे कैसे वेरिएशन मिलते हैं और कितने तरीके के वेरिएशंस होते हैं ये हमें पढ़ना है, और उस वेरिएशन के बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, राइट, गलत ऑप्शंस को इनफैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको पैसेज याद होगा। अब आप देखिए, पहला ऐसा ऑप्शन आपको मिल सकता है जिसमें आपके वोकैबुलरी की वेरिएशंस मिलेंगे। ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब जैसे वॉन्डर्ड, वंडर्ड, वर्कड, वरिड, तो आप देख रहे हैं अगर मैं इन वर्ड्स को देखती हूं तो सारा वर्ड पास्ट में है, ईडी wondered, ed, worked, ed, worried, ed, सारा वर्ड पास्ट में है। और ऑब्वियसली मुझे यहां पर जो भी वर्ड फिल करना है वो सारा पास्ट में ही फिल करना है, मगर पास्ट के टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर सपोज स्टूडेंट्स, सपोज यहां पर वर्क होता, सिर्फ सपोज यहां पे ऑप्शन में सिर्फ वर्क होता, तो आराम से ये सी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। क्यों ये सी ऑप्शन एलिमिनेट होता, क्योंकि मुझे, हम लोगों ने पहले भी बात की है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट का टाइम पास्ट है। यहां पे आर्यंस की हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह से माइग्रेट होके इंडिया, पर्शिया और मेसोपोटामिया आए, तो यहां हिस्ट्री की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट का टाइम पास्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन में अगर कोई भी आपको प्रेजेंट का वर्ब मिलता है आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, Isn't it? मगर यहां पे सारा पास्ट है। तो सिमिलैरिटी तो यही है कि जितने भी शब्द हैं वो सारे वर्ब हैं। दूसरी सिमिलैरिटी है जितने भी शब्द हैं उनका टाइम पास्ट है। तो वेरिएशन किस में है, वेरिएशन आपका वोकैबुलरी में है। जितने भी वर्ड्स हैं आप देख रहे हो सबका मतलब अलग अलग है। wandered इसका मतलब इधर उधर घूमना विदाउट एनी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, वंडर का मतलब सोचना, वर्क का मतलब काम करना, और वरी का मतलब यू आर गेटिंग वरीड, दैट मीन्स आप टेंशन में हो, राइट। तो अब स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो चार ऑप्शन में कोई एक का भी मतलब नहीं पता है या दो का मतलब नहीं पता है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बैंकिंग के एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आता है स्टूडेंट्स, उसको डिफिकल्ट माना जाता है। इसलिए डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि उसमें जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, वन से लेकर जो 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा, आई मीन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में वेरिएशन होता है, वर्ड्स में वेरिएशन होता है, उसकी मीनिंग में वेरिएशन होता है। तो ये दिक्कत, इसीलिए बैंकिंग का जो क्लोज टेस्ट होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी वोकैबुलरी बहुत मजबूत होनी चाहिए फिर अगर आप आंसर करना चाहते हो। हालांकि एसएससी है, सीडीएस है, एनडीए के एग्जाम में आपको कई वेरिएशंस मिलेंगे। जैसे बैंकिंग के एग्जाम में आपको सिर्फ वर्ड्स के वेरिएशन मिलते हैं, वोकैबुलरी के वेरिएशन मिलते हैं, मगर बाकी एग्जाम में आपको ग्रामर का वेरिएशन मिल सकता है, वोकैबुलरी का, कई, यू नो, मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन जो हम पढ़ेंगे।
अब स्टूडेंट्स जब भी वोकैबुलरी का वेरिएशन होता है ना, तो आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वरना ऐसे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अब लिखा है द आर्यंस डैश अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड्स. जब मैंने ये पूरा पैसेज पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे माइग्रेशन की बात हो रही है आर्यंस की. तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड है यहाँ पे कोई चिंता होने की बात नहीं है, तो ये वर्ड आराम से चला जाएगा, एलिमिनेट होगा. यहाँ पे वर्क करने की बात नहीं हो रही है, ये भी चला जाएगा. यहाँ पर सोचने की बात नहीं हो रही है, तो वंडर्ड भी चला जाएगा. यहाँ पे इधर उधर घूमने की बात हो रही है, और अगर आपको वंडर्ड की स्पेलिंग नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो सही. द आर्यंस वंडर्ड अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड्स. अब नेक्स्ट देखिए, ये सेकेंड है. अब हमें ये सेकंड को फिल करना है. यहां पर फोर ऑप्शन कैन डिफर विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग. यहां पर आपके जो ऑप्शन में आपको वेरिएशन जो मिलेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग वाला वेरिएशन मिलेगा. कहने का मतलब उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा जैसे डेड है ना, तो एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसका नेगेटिव कॉनोटेशन हो. कहने का मतलब है अनप्लेजेंट वर्ड हो. तो डेड क्या है? प्लेजेंट, अनप्लेजेंट वर्ड है. ग्रीन क्या है? ग्रीन आपका इसमें पॉजिटिव कॉनोटेशन मिल रहा है, तो ग्रीन आपका प्लेजेंट वर्ड है. ग्रासलेस क्या है? ग्रासलेस आपका नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है, तो ग्रासलेस आपका अनप्लेजेंट वर्ड है. ग्रासफुल, ग्रासफुल आपका प्लेजेंट वर्ड है. तो आपको प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वर्ड का वेरिएशन मिलेगा. नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग का मतलब क्या है? प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वर्ड्स के वेरिएशंस मिलेंगे. तो अब आपको क्या करना है, आप ये ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक आपको फिल करना है. तब आपको देखना है कि ये ब्लैंक कौन सा वर्ड डिमांड कर रहा है. क्या ये ब्लैंक नेगेटिव यानी अनप्लेजेंट वर्ड डिमांड कर रहा है या पॉजिटिव यानी प्लेजेंट वर्ड डिमांड कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा. चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको. द आर्यंस वॉन्डर्ड अबाउट नॉर्दर्न एशिया एंड यूरोप ओवर द वाइड ग्रासलैंड्स, बट एज देयर नंबर ग्रू एंड द क्लाइमेट बिकेम ड्रायर एंड. ये जो एंड है ना, ये एंड हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स. अगर आपको एंड मिला फाइन, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो अपने ही कैटेगरी के शब्दों को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ेगा. नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है. दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, दो प्लेजेंट वर्ड, दो अनप्लेजेंट वर्ड्स. कभी भी एंड आपका एक प्लेजेंट और एक अनप्लेजेंट वर्ड को नहीं जोड़ता है. कभी भी एंड आपका एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को नहीं जोड़ेगा. कभी भी एंड आपका नाउन एंड एडजेक्टिव को नहीं जोड़ेगा. अगर एंड जोड़ेगा ना, तो हमेशा सेम कैटेगरी वाले शब्दों को जोड़ेगा. ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्लियर. अब ये जो एंड है ये ड्रायर को जोड़ रहा है. अब ड्रायर मुझे बताओ, ड्रायर प्लेजेंट वर्ड है कि अनप्लेजेंट वर्ड है? अब खुद सोचो, मैं बोलूंगी, मैं ऐसे बोलती हूं ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, राइट? तो ब्रेव पॉजिटिव वर्ड, प्लेजेंट वर्ड, ब्यूटिफुल प्लेजेंट वर्ब, प्लेजेंट वर्ड. तो एंड जोड़ रहा. अगर मैं बोलती हूं, मैं अगर बोलती हूं स्टूपिड एंड ब्यूटिफुल, ये गलत है, क्योंकि स्टूपिड अनप्लेजेंट वर्ड है, ब्यूटिफुल प्लेजेंट वर्ड है. आप कैसे बोलोगे? स्टूपिड बट ब्यूटिफुल, तब आप बट यूज करोगे, एंड यूज नहीं करोगे. तो एंड स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर आपको एंड दिख गया, इसके पहले वाला शब्द है और इसके बाद वाले शब्द को आपको जोड़ना है, तो आप समझ जाना कि जो इसके पहले वाला शब्द है उसी के हिसाब से आपका यहां पर भी शब्द होगा. अब इसके पहले वाला जो शब्द है वो अनप्लेजेंट वर्ड है, अनप्लेजेंट है, नेगेटिव कॉनोटेशन रख रहा है, नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी एक नेगेटिव मीनिंग वाला ही शब्द आपको रखना पड़ेगा. तो देखो, अगर नेगेटिव मीनिंग वाला शब्द रखोगे तो अब आप देखो, ग्रासफुल पॉजिटिव है, ये एलिमिनेट हो जाएगा. ग्रीन पॉजिटिव है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. अब बचा क्या? ग्रासलेस और डेड बचा है. अब मुझे बताओ, यहां पर जो वर्ड रखोगे वो किसके लिए आप फिल इन करोगे? लैंड के लिए फिल इन करोगे. ड्रायर क्या है? क्लाइमेट. और जो भी चीज आप रखोगे
वर्ड वो लैंड के लिए होगा, तो लैंड को हम कभी डेड नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स, लैंड को हम बैरन बोल सकते हैं, फर्टाइल, मगर कभी भी हम डेड नहीं बोलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रासलेस। तो आपका ये नेगेटिव वर्ड है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखिए, फोर ऑप्शंस आपका डिफर कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एडजस्टमेंट विद द वर्ड, यहां पर विद होना चाहिए था स्टूडेंट्स, विद द वर्ड कमिंग बिफोर और आफ्टर द ब्लैंक। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर आप ब्लैंक में जो भी वर्ड फिल करोगे, या तो ब्लैंक के पहले वाले शब्द से आप एडजस्ट करोगे, या ब्लैंक के बाद आने वाले शब्दों से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस ब्लैंक में जो भी वर्ड आप फिल इन करोगे ना, वो वर्ड एडजस्ट होना चाहिए, या तो ब्लैंक के पहले आने वाले शब्द से एडजस्ट होना चाहिए, या ब्लैंक के बाद आने वाले शब्दों से एडजस्ट होना चाहिए। अब मुझे पता है यहाँ पर है एंड द लैंड Climate became drier and the land grassless. So, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है। There was not, जो भी मुझे वर्ड लगाना है वो फूड के साथ लगाना है, ओके? तो अब आप देखिए, फुल फूड बोलेंगे, यहाँ पर मैं इसको हटा रही हूँ थ्री को, अब देखो एडजस्ट करना है, क्या मैं यहाँ पर फुल फूड बोलूं? कभी आपने सुना है फुल फूड, फूड के साथ फुल लगता है? नहीं। अब देखो यहाँ पर ग्रास भी है, क्या मैं लिखूं ग्रास फूड? नहीं। There was not plenty food. Sorry. There was not plenty food. Plenty food बोले कि अगर मैं बोलती हूँ there was not plenty food, तो इसका मतलब है कि कुछ food तो होगा ही। सबसे पहले मैं ये full को हटा रही हूं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके? हाँ, अगर मैं बोल रही हूँ students there wasn't plenty food, तो इसका मतलब बहुत नहीं है, मगर थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, मगर यहां पर लिख रहा है देयर वॉज नॉट फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू इट, सभी के लिए फूड नहीं था वहां पर, तो यहां पर प्लेंटी की जगह हमें इनफ लिखना पड़ेगा, देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। क्लियर हो गई बात, क्योंकि इनफ फूड अगर प्लेंटी बोल रहे हैं तो प्लेंटी पॉजिटिव वर्ड है और इनफ भी पॉजिटिव वर्ड है, मगर यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं प्लेंटी लिख रही हूं तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फूड है, मगर यहां पर अगर मैं इनफ लिख रही हूं तो इसका मतलब है हर किसी के लिए उतना नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर होगी बात, तो यहां पर आपका इनफ। फोर ऑप्शंस कैन डिफर विद रिस्पेक्ट टू कंजंक्शन, अब कंजंक्शन के अकॉर्डिंग भी ऑप्शंस डिफर कर सकते हैं, जब आप ऑप्शंस को देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा वेरिएशन किस में हो रहा है, सो एज बिकॉज येट, तो कंजंक्शन में वेरिएशन हो रहा है। फोर्थ देखो, यहां पर था इनफ, देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट, देवर फोर्स टू मूव अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं कहना चाहती हूं कि यहां पर कोई मतलब फूड नहीं था जितनी रिक्वायर्ड है सभी के लिए, इसीलिए देवर फोर्स टू मूव, यहां पर फोर्थ में मैं क्या बोलना चाह रही हूं, इसीलिए। अब इसीलिए की इंग्लिश क्या होगी, इसीलिए की इंग्लिश सो होगी, एज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो मैं क्योंकि तो नहीं बोलूंगी ना, देयर वॉज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट बिकॉज देवर फोर्स टू मूव, नहीं। तो यहां पर बिकॉज एज, एज का मतलब भी क्योंकि होता है। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर में वैसे भी पढ़ा है कि एक ही कंजंक्शन के कई मतलब हो सकते हैं, अब जैसे एज, एज का कई मतलब हो सकता है, एज यू सो सो यू रीप, इसका मतलब जैसा बोगे वैसा पाओगे, एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ बॉल हिट हिम, तो as का मतलब क्या है, while he was walking along the road a ball hit him, अब यहां पर as का मतलब because है तो नहीं हो सकता है, yet time भी दिखाता है, contradiction भी दिखाता है, yet नहीं होगा, yet का मतलब क्या होता है, फिर भी, all of them to eat, yet they were forced to move, तो yet का मतलब फिर भी they were forced to move, नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, so, तो हमारे पास यहां पर किस तरह से ऑप्शंस में आपको वेरिएशन मिलता है वो हम पढ़ रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टूडेंट जब भी आपको क्लोज टेस्ट का ऑप्शंस दिखता है तो आप उस ऑप्शंस में देखो वेरिएशन क्या चीज का है, क्या टाइम का वेरिएशन है, क्या कंजंक्शन का वेरिएशन है, क्या प्लेजेंट अनप्लेजेंट वर्ड का वेरिएशन है, तो उस हिसाब से अपने दिमाग को आप चलाओ। अच्छा कंजंक्शन का वेरिएशन है तो आप कंजंक्शन में ही फोकस करो, प्लेजेंट अनप्लेजेंट का है तो आप ब्लैंक में देखो कि ब्लैंक
को क्या ब्लैंक क्या डिमांड कर रहा है, प्लेजेंट वर्ड की अनप्लेजेंट वर्ड। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट 4 वेरिएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।